नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे इंश्योरेंस क्लेम और आज हम इंश्योरेंस क्लेम में स्टॉक इंश्योरेंस का 6ठा क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपके जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें सबसे टिपिकल क्वेश्चन है, तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। देखते क्वेश्चन में क्या दिया गया है। दावे की राशि ज्ञात करनी है, आग लगने की तिथि है 15 अगस्त 2018, यानी कि 18-19 वर्ष में 15 अगस्त 2018 को आग लगी। 1 अप्रैल 2017 का स्टॉक दिया गया है 45,400, यानी पिछले वर्ष 17-18 का ओपनिंग स्टॉक दिया गया है। फिर पिछले वर्ष की परचेज दी गई है 17-18 की 3,16,800। गत वर्ष का सेल्स दी गई है 4,03,200 रुपए की और पिछले वर्ष का क्लोजिंग स्टॉक यानी इस वर्ष का ओपनिंग स्टॉक माना जाएगा, तो पिछले वर्ष का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 36,800 रुपए। तो ये पिछले वर्ष के आंकड़े दिए गए हैं और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये इस वर्ष के लिए 18-19 के लिए 1,418 का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। आग लगने वाले वर्ष यानी 2018-19 की परचेज दी गई है फ्रॉम 1 अप्रैल 18 टू 15 अगस्त 18, 1 अप्रैल 18 से लेकर 15 अगस्त 18 तक 81,000 की और सेल्स दी गई है 92,100 रुपए की। नीचे कुछ सूचना दी गई है, वर्ष 2016-17 में 15,000 मूल्य पर खरीदे गए स्टॉक को 31-3-2017 को 9,000 मूल्य पर मूल्यांकित किया गया, यानी स्टॉक का मूल्य था 15,000 रुपए और उसको मूल्यांकित किया गया 9,000 रुपए में, यानी 6,000 रुपए कम से मूल्यांकित किया गया है। 2016-17 में जो स्टॉक खरीदा गया था उसको स्टॉक 31-3-2017 यानी 1 अप्रैल 2017 का जो स्टॉक है ये 6,000 रुपए से कम मूल्य पर मूल्यांकित है। 15,000 रुपए का माल खरीदा था और उसको 9,000 पर मूल्यांकित किया गया था, यानी 6,000 से कम पर मूल्यांकित है, तो इसे हम 6,000 और ऐड कर देंगे जब हम पिछले वर्ष का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे सकल लाभ की दर ज्ञात करने के लिए। आगे चलते हैं, इस स्टॉक के आधे भाग को 2017-18 में 3,900 रुपए में बेच दिया गया। 17-18 में मतलब पिछले वर्ष की बात हो रही है, जो स्टॉक था 15,000 रुपए मूल्य का उस स्टॉक के आधे भाग को 2017-18 में 3,900 रुपए में बेच दिया गया, यानी स्टॉक था 15,000 रुपए का उसका आधा भाग हुआ 7,500 का और 7,500 के स्टॉक को पिछले वर्ष में, आगे लगने वाले वर्ष नहीं पिछले वर्ष में 2017-18 में 3,900 रुपए में बेच दिया गया, यानी कि ये जो 15,000 रुपए का माल है ये असामान्य स्टॉक है, असामान्य माल है। तो जब हम पिछले वर्ष का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और इस वर्ष जब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे दोनों स्थितियों में हम ये जो इस जो 15,000 के माल को एबनॉर्मल आइटम के रूप में दिखाएंगे और ट्रेडिंग अकाउंट में दो कॉलम बनाए जाएंगे, नॉर्मल स्टॉक और एबनॉर्मल स्टॉक के। ठीक है, तो क्वेश्चन हल करते हैं। आगे दिया गया है, आधे भाग को 3,200 रुपए में बेच दिया गया और शेष का मूल्यांकन 31-3-18 को 3600 रुपए पर किया गया और जो बचा हुआ शेष माल था 7,500 का उसका मूल्यांकन किया गया 3600 रुपए में। 31-3-18 को जो 36,800 है उसमें 3600 रुपए का माल, ये माल सम्मिलित है जो असामान्य माल है। तो पिछले वर्ष की सूचना थी 2017-18 की। 18-19 में जो मूल स्टॉक के 1/4 भाग को जून 2018 में 2100 रुपए पर बेचा गया है। यहां पर दिया गया है मूल स्टॉक के 1/4 भाग, यानी मूल स्टॉक था 15,000 रुपए का, 15,000 का 1/4 लेंगे तो आएगा 3,750, तो 3,750 रुपए के माल को बेचा है 2100 रुपए और शेष स्टॉक को लागत का 50% माना गया है। तो ये जब ये सूचना जो है, ये लाइन जो है, ये जब 18-19 का आग लगने वाले वर्ष का जब हम मेमोरेंडम बनाएंगे तब काम आएगा। और बचाए गए स्टॉक है 15,000 रुपए का, बीमा पॉलिसी की रकम है 40,000 रुपए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। और जब इसमें सकल लाभ की दर दी गई नहीं दी गई है, तो हम जब मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाते हैं तो हमको सकल लाभ की दर चाहिए होती है, तो इसके लिए सकल लाभ की दर याद करने के लिए हम पिछले वर्ष का पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना के देखते हैं। और सकल
याद करने के लिए वर्ष मई में जैसे मैं बता रहा है 2017-18 ट्रेडिंग अकाउंट तो ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं फॉर द ईयर 2017। तो असामान्य माल था ओपनिंग स्टॉक में और बेचा भी गया है उसको। तो जब असामान्य स्टॉक होता है, असामान्य स्टॉक का हमको पता कैसे चलता है, उसको हम नुकसान पर बेचते हैं। तो हमको दोनों को, जो नॉर्मल स्टॉक है और एब्नॉर्मल स्टॉक है, उन दोनों को अलग अलग करना होता है। तो इसलिए दो कॉलम बनाते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसे कोई सूचना है कि किसी माल को नुकसान पर बेचा गया है, इसका मतलब यह है कि वो जो है माल, वो स्टॉक है, वो असामान्य है। उस स्थिति में दो कॉलम बनाए जाते हैं। दो कॉलम बना लेंगे, नॉर्मल एबनॉर्मल स्टॉक का ये डेबिट साइड का टोटल बनेगा। ये हो गया नॉर्मल स्टॉक का, ये एबनॉर्मल स्टॉक का टोटल कॉलम और ये टोटल का कॉलम। तो ये नॉर्मल आइटम्स, ये एबनॉर्मल आइटम्स, ये टोटल ये हो जाएगा नॉर्मल आइटम्स, एबनॉर्मल आइटम्स टोटल। तो दो कॉलम बनाए नॉर्मल और एबनॉर्मल आइटम के, पूरी टोटल है। ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 45,400 का। 17-18 का ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, 17-18 का जो ओपनिंग स्टॉक है वो है 45,400। लेकिन जो 31/3/2017 को जो 15,000 का स्टॉक था, उसका मूल्यांकन किया गया था 9,000 पर। यानी कि इस स्टॉक में से 6,000 रुपए कम पर मूल्यांकित है ये स्टॉक। 15,000 मूल्य के स्टॉक को 9,000 पर मूल्यांकित किया गया, यानी कि 6,000 कम से मूल्यांकित किया गया है। इसलिए इसमें 6,000 रुपए और ऐड करने पड़ेंगे। तो यहां पर ऐड करेंगे 45,400 का स्टॉक है, इसमें 6,000 रुपए और ऐड करेंगे तो टोटल आता है 45,400 प्लस 6,000, 51,400 का। ये जो है टोटल स्टॉक है 51,400। इसमें से एबनॉर्मल है 15,000 रुपए का, 9,000 पर मूल्यांकित किया गया था, लेकिन लागत कितनी थी स्टॉक की, 15,000 की। तो इसलिए यहां पर एबनॉर्मल आइटम्स में 15,000 आएगा, न कि 9,000 रुपए। तो 15,000 रुपए इसमें से एबनॉर्मल आइटम के हैं। ऐसा माना गया था कि जो 15,000 रुपए मूल्य का माल खरीदा है, शायद इसको 9,000 रुपए पर ही बेचा जा सके, इसलिए इसको 9,000 पर मूल्यांकित किया गया था। लेकिन खरीदने की लागत 15,000 ही थी, इसलिए हम जो है स्टॉक को लागत मूल्य पर ही दिखाते हैं, अनुमानित मूल्य पर नहीं दिखाते। तो यहां पर एबनॉर्मल आइटम्स में 15,000 दिखाया जाएगा। तो 51,400 में से 15,000 लेस किया तो जो नॉर्मल आइटम है वो आ जाएगा 36,400। तो इस प्रकार ओपनिंग स्टॉक टोटल हुआ 51,400 का, इसमें से 15,000 का नॉर्मल आइटम्स है और 36,400 है वो नॉर्मल स्टॉक। फिर पिछले वर्ष की परचेज 17-18 की 3,16,800 परचेज है, 3,16,800 रुपए की। परचेज के बाद सेल्स है पिछले वर्ष की, टोटल सेल्स है 4,03,900 रुपए। अब यहां पर जो सेल्स है उसमें असामान्य जो स्टॉक है उसकी भी सेल सम्मिलित है। तो क्या लिखा हुआ है, इस स्टॉक के आधे भाग को 2017-18 में, जिस वर्ष का हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, पिछले वर्ष का जो ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, उस वर्ष में इस स्टॉक के आधे भाग को 3,900 रुपए में बेच दिया गया।
आधा भाग इसका हुआ 15,000 का 7,500, 7,500 को बेचा कितने में, सेल थी 3,900, यानी 4,03,900 में 3,900 रुपए एबनॉर्मल आइटम्स जो असामान्य स्टॉक की सेल थी, तो वो 3,900 हमने यहाँ अलग दिखा दी और 4,00,000 रुपए की जो सेल थी वो सामान्य स्टॉक की। एबनॉर्मल आइटम्स में तो नुकसान उठाया गया है इसकी बिक्री पे और इसकी बिक्री पे लाभ कमाया गया होगा, तो जो सकल लाभ की दर है इस सामान्य जो आइटम है जो सामान्य स्टॉक है इसकी बिक्री पे ही हम ज्ञात करेंगे। तो जो एबनॉर्मल आइटम्स है उसके आधे भाग को, इस स्टॉक के आधे भाग को 2017-18 में 39 रुपए में बेच दिया गया था, यानी 15,000 का आधा हुआ 7,500 और 7,500 को बेचा 3,900 में, तो 3,600 का नुकसान उठाया गया, 3,600 के नुकसान पर बेच दिया गया, तो ये लॉस आ जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और यहां पर लिख देते हैं स्टॉक ऑन, आगे कुछ भी दी गई सूचना आगे ये लिखा है कि शेष का मूल्यांकन 31/3/18 को 3600 पर किया गया, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। तो जो असामान्य माल का स्टॉक, जो असामान्य स्टॉक था, जो असामान्य जो स्टॉक था वो जो है वर्ष के अंत में कितना बचा, 7,500 रुपए, इसका आधा भाग तो हमने बेच दिया 3900 में जिस पर हमने 3600 का नुकसान उठाया और आधा माल अभी तक 7,500 का मूल्य का माल हमारे पास अभी भी स्टॉक में है 2017-18 वर्ष के अंत की। ये जो क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है इस क्लोजिंग स्टॉक में 3,600 रुपए का माल जो असामान्य माल है वो ऐड किया हुआ है, तो वो हम माइनस कर देंगे 36,000। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 36,800 का, इसमें जो 3,600 रुपए का माल है वो असामान्य माल है जो इसमें जोड़ा हुआ है, तो इसमें से 3,600 हम लेस कर देंगे, 36,800 माइनस 3,600, तो 33,200 रुपए का होता है, 33,200 रुपए, यानी 36,800 में 3,600 रुपए ऐसा मैंने स्टॉक का था, तो 33,200 का जो है जो स्टॉक है वो सामान्य स्टॉक है और 7,500 का असामान्य स्टॉक बचा हुआ है, तो टोटल स्टॉक कितने का हुआ, 33,200 प्लस 7,500 का टोटल हुआ 40,700 का स्टॉक है। तो ये कॉलम तो असामान्य स्टॉक का कॉलम तो टोटल बराबर हो जाएगा, 15,000 का माल था, 15,000 में से 7,500 का 3,600 के नुकसान पर बेचा और 7,500 का स्टॉक अभी तक बाकी है। इस क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल घटाएंगे तो ग्रोस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तो 4,33,200 यह आ रहा है 4,33,200, 4,33,200 में से ये टोटल माइनस करेंगे तो 4,33,200 में से 36,400, फिर 3,16,800, तो 80,000 रुपए ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है, 4,33,200 ऐसे जब माइनस किया डेबिट साइड का टोटल ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है 80,000 रुपए। और असामान्य माल के तो हमने हानि उठाई है और जो प्रॉफिट कमाया है वो हमने कमाया है सामान्य माल में, तो 4,33,200 प्लस 15,000 आता है 4,48,200, ये भी आ रहा है 4,48,200। अगर रेट ऑफ जीपी देखी जाए पिछले वर्ष की ग्रोस प्रॉफिट की दर सकल लाभ की दर ज्ञात की जाए बिक्री पर, तो 80,000 रुपए सकल लाभ था, 4,00,000 रुपए की बिक्री थी, तो 20% आ रही है सकल लाभ की दर पिछले वर्ष, यही 20% की जो सकल लाभ की दर आ रही है ये हम काम में लेंगे जब हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे 2018-19। तो सकल लाभ की दर एक बार है वो आ रही है 20%, यहाँ पे लिख देते हैं रेट ऑफ जीपी है वो है 20%। अब हम बनाएंगे मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ट्रेडिंग रूम बनाएंगे 1/4/18 से
15/8/18 तक का। मैनेजमेंट ट्रेडिंग अकाउंट में भी दो कॉलम बनाए जाएंगे स्टॉक के, इसमें भी स्टॉक के एबनॉर्मल आइटम्स और नॉर्मल आइटम्स के दो अलग अलग कॉलम बनाए जाएंगे। एक टोटल का कॉलम होगा, ये हो गया टोटल, ये एबनॉर्मल आइटम्स, ये नॉर्मल, ये एबनॉर्मल आइटम्स, ये नॉर्मल आइटम्स, ओपनिंग स्टॉक, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, स्टॉक ऑन डेट ऑफ हायर, ये स्टॉक ऑन डेट ऑफ हायर नहीं है, ये क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी, ये जो पिछले वर्ष का क्लोजिंग स्टॉक है, स्टॉक ऑन डेट ऑफ हायर को इस वर्ष याद किया जाएगा, ये पिछले वर्ष का क्लोजिंग स्टॉक है, जो इस वर्ष ओपनिंग स्टॉक आएगा 33,200 रुपए, नॉर्मल आइटम्स 7,500, एबनॉर्मल आइटम्स और 40,700 जो है टोटल है ओपनिंग स्टॉक। इस वर्ष जो आग लगने की तिथि तक का जो क्रय था वो था 81,000 रुपए का, 81,000 रुपए का क्रय किया, परचेज 81,000 रुपए की, सेल्स जो है वो है 92,100 रुपए की टोटल। अब जो सूचना दी गई है उसको पढ़ते हैं, यहां तक हम पढ़ चुके थे और ये पिछले वर्ष से संबंधित था ये पैराग्राफ। अब आगे पढ़ते हैं, मूल स्टॉक के 1/4 भाग को जून 2018 में 2100 रुपए पर बेचा गया। मूल स्टॉक के 1/4 भाग, मूल स्टॉक है हमारा 15,000 रुपए का, ये जो असामान्य माल है ये मूल स्टॉक 15,000 रुपए का है और इसका 1/4 भाग, 15,000 का 1/4 करते हैं तो आता है 3,750, 3,750 रुपए के माल को बेचा गया है 2100 रुपए में आग लगने वाले वर्ष में। जो टोटल सेल्स थी 92,100 की, इस 92,100 में 2100 रुपए की बिक्री है असामान्य माल की और 90,000 की बिक्री है सामान्य माल की, और जो ये 2100 रुपए का माल बेचा गया है इसकी लागत थी, तो जो लॉस आएगा, ग्रॉस लॉस जो आया है, 1/4 भाग को 2100 रुपए में बेचा गया मूल स्टॉक के, तो 3,750 रुपए के माल को बेचा है 2100 रुपए में, तो 1,650 रुपए जो है वो यहां पर ग्रॉस लॉस है। अब ज्ञात करेंगे सकल लाभ की, 90,000 पर ये जो एबनॉर्मल आइटम्स है इसका क्लोजिंग स्टॉक, तो अब स्टॉक ऑन डेट ऑफ हायर तो याद हो जाएगा इसका, स्टॉक ऑन डेट ऑफ हायर, हमने गलती से यहां पर स्टॉक ऑन डेट ऑफ हायर लिख दिया था ट्रेडिंग अकाउंट में, जो कि पिछले वर्ष का ट्रेडिंग अकाउंट था, ये पिछले वर्ष में स्टॉक ऑन डेट ऑफ हायर ये क्लोजिंग स्टॉक होगा और स्टॉक ऑन डेट ऑफ हायर तो हमको जो है चालू वर्ष में आग लगने वाले वर्ष में याद करना पड़ेगा, इसलिए स्टॉक ऑन डेट ऑफ हायर अब याद करेंगे हम। तो जो एबनॉर्मल आइटम्स है वो हमने 3,750 रुपए का तो हम बेच चुके 1,650 रुपए के की हानि पर, और बाकी बचा हुआ 3,750 रुपए का जो स्टॉक है वो अभी भी आग लगने की तिथि को था, जो स्टॉक में गोदाम में रखा था। अब जो सामान्य माल है वो आग लगने की तिथि को कितना था, तो इसके लिए हमको सकल लाभ की दर हमने ज्ञात कर ली है 20%, तो बिक्री पर भी जो है 20% हम सकल लाभ ज्ञात कर लेंगे, तो 90,000 का 20% सकल लाभ अगर कमाया जाता है तो ये है 18,000। इस बिक्री में 18,000 रुपये सकल लाभ ऐड किया हुआ है। अब अगर डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड की सेल्स जो है 90,000 रुपये अगर घटा दी जाए तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 33,200 प्लस 81,000 प्लस 18,000 माइनस, तो इनका टोटल आता है 1,32,200। 1,32,200 में से 90,000 रुपए माइनस किए
तो 42,200 रुपए का सामान्य स्टॉक आग लगने की तिथि को था गोदाम में, और 3,750 का असामान्य स्टॉक गोदाम में रखा था आग लगने की तिथि को, और टोटल था 45,950 रुपए का स्टॉक। क्वेश्चन में आगे दिया गया है कि जो है 1/4 भाग को जून 2018 में 2100 रुपए पर बेचा गया, और शेष स्टॉक को, ये जो शेष स्टॉक है उसको लागत का 50% माना जाए, यानी ये जो शेष स्टॉक है इसको लागत का 50% ही माना जाएगा, इसको बेचा जाएगा तो इसका मूल्य 50% ही प्राप्त होगा। तो जो लॉस ऑफ स्टॉक है उसकी हम गणना करेंगे, जो लॉस ऑफ स्टॉक है उसकी हम अगर गणना करें आग लगने की तिथि को, तो लॉस ऑफ स्टॉक जो नॉर्मल आइटम्स है, जो नॉर्मल स्टॉक है वो तो है 42,200 का, इसमें अगर ऐड करें एबनॉर्मल आइटम्स या एबनॉर्मल स्टॉक 3,750 का 50% लेंगे, 3,750 का 50% 1,875 रुपए, यानी जो नॉर्मल स्टॉक था, जो नॉर्मल स्टॉक है वो तो है 42,200 का, और जो एबनॉर्मल स्टॉक है 3,750 का, उसका मूल्यांकन किया गया है 50%, इसका मूल्य आएगा 1,875 रुपए। 1,075 और 42,200, तो जो आग लगने की तिथि को जो स्टॉक का मूल्य है वो है 44,075 रुपए, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर ये 44,075 है, और बचाए गए स्टॉक का मूल्य है 15,000 रुपए, यानी इसमें से 15,000 रुपए का स्टॉक बचा लिया गया, लेस सेल्वेज गुड्स 15,000 रुपए का स्टॉक बचा लिया गया था। तो जो लॉस ऑफ स्टॉक है वो आ रहा है 29,075 रुपए का लॉस ऑफ स्टॉक आ रहा है, यानी जो गोदाम में जो स्टॉक रखा था वो था 44,075 रुपए का आग लगने की तिथि को, और उसमें से 15,000 रुपए का स्टॉक बचा लिया गया, तो जो स्टॉक की हानि हुई आग लगने से जो हानि हुई वो थी 29,075 रुपए। तो क्या जो ये व्यवसायी है इस पूरे के पूरे स्टॉक की हानि का दावा कर सकता है? तो हम ये देखेंगे कि बीमा पॉलिसी की राशि क्या है, बीमा पॉलिसी की राशि है 40,000, तो क्या ये न्यून बीमा की स्थिति है यहां पर? तो न्यून बीमा के लिए हम देखते हैं कि कितने रुपए का इंश्योरेंस करवाया जाना चाहिए था, बीमा पॉलिसी कितने के लिए जानी चाहिए थी। तो हमने बात की थी कि आग लगने की तिथि को गोदाम में जितने रुपए का स्टॉक होता है उतने का बीमा करवाया जाना चाहिए कम से कम। तो आग लगने की तिथि को जो गोदाम में जो माल था वो था 44,075 रुपए का, तो 44,075 रुपए की कम से कम इंश्योरेंस पॉलिसी ली जानी चाहिए थी, लेकिन यहां पर इंश्योरेंस पॉलिसी दे रखी है 40,000 रुपए की, इसलिए ये न्यून बीमा की स्थिति यहां पर उत्पन्न होती है, और न्यून बीमा की स्थिति में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो औसत वाक्य लागू कर देती है। तो यहां पर दावे की राशि जो है औसत वाक्य के आधार पर निकालेंगे, तो यहां पर एवरेज क्लोज वाला फॉर्मूला लगेगा, तो अमाउंट ऑफ क्लेम हम ज्ञात करेंगे, अमाउंट ऑफ क्लेम ज्ञात करने के लिए इंश्योर्ड अमाउंट अपॉन इंश्योरेबल अमाउंट इनटू लॉस ऑफ स्टॉक। इंश्योर्ड अमाउंट है 40,000 रुपए का, इंश्योरेबल अमाउंट है 44,075 रुपए का, इंश्योरेबल अमाउंट है 44,075 रुपए का, और जो लॉस ऑफ स्टॉक हुआ है 29,075 का। तो इसको अगर हल करें हम तो 40,000/44,075 इंटू 29,075, तो ये आता है 26,386.84 या इसको हम कह सकते हैं 26,387।
तो बीमा कंपनी द्वारा 26,387 रुपए का जो दावा है वो स्वीकार किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर औसत वर्ग के लागू होगा। तो आज हमने 6 नंबर क्वेश्चन पूरा कर लिया है। तो हमारा जो स्ट्रोक का बीमा है, जो स्ट्रोक की हानि का जो दावा है, वो टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। हम अगली क्लास में परिणामी हानि का बीमा पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।